नाम सोहनलाल है जी। कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 1972 से रेगुलर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर सलीम के साथ भी पहले मैंने इससे पहले मैंने डॉक्टर सलीम साहब के साथ काम किया था। अच्छा, तो फिर उनका वो छोड़ के मुझे यहाँ सर्विस मिल गई। ठीक है, तो मैं यहाँ सर्विस करता रहा फोर्स गार्डों में, फिर उसके बाद में प्रमोशन। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो ये सब ये जो भरतपुर का आपने ट्रांजेक्शन देखे जब आपने आज ज्वाइन किया था और अभी तक कैसा रहा आपका? अब पहले से देखते देखते तो अब तो उसमें कुछ भी नहीं रहा है सर, 5% तो नेस्टिंग भी नहीं है। अच्छा, और 2% माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं। साइबेरियन क्रेन जो आती थी 2002 में आया था एक पेयर, उसके बाद में फिर आया ही नहीं, ड्राउड हो गया, उसके बाद में फिर आया ही नहीं यहाँ पर, तो उसके बिना कुछ नहीं है। वो तो अब हो सकता है एक्सटेंट हो गई, मर चुकी साइबेरियन क्वीन। हाँ, साइबेरियन क्रेन वो अफगानिस्तान होके आती है तो अफगानिस्तान ही उसको शूट करते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, तो वो घूम घाम के वहाँ गई होगी तो वो पहुँच नहीं पाई, तो अब बंद है, वो आ नहीं रही है। इसी से ज्यादा कितने सालों से बंद है ये? ये 2002 में लास्ट पेयर आया था। अच्छा, अब ये ड्रॉट की बात भी बता रहे थे, 2000 से लेके 2011 तक। 2002 में पानी आया तो उसमें एक पेयर आ गया, आया था, उसके बाद में पानी भी नहीं आया, वो भी नहीं आई, ये वो भी नहीं आया जी। अच्छा, और मतलब ये 10 साल के जो ड्रॉट आया यहाँ पे, और फिर जो आप बता रहे थे यहाँ पे जो नदी थी उसमें भी ब्लॉकेट हो गया था कुछ? हाँ, जो ये जो ड्राउट आया है इसके कारण आया है कि जो वो बरसात का पानी वो पांच नदियों का एक ही पांचना डैम बना दिया है उसको। पांचना डैम उसमें पहले रोक दिया था बाढ़ की वजह से, तो ऊपर से फ्लो होके पानी आ जाता था। फिर अब उसकी उसके बाद में फिर रेजिंग बढ़ा दी है तो पानी आ नहीं सकता। अच्छा, तो अब कुछ लास्ट ईयर से पानी आने लगा है। आपने बताया उसके भी आ रहे हैं और चंबल से भी? चंबल से, चंबल का आ रहा है, चंबल का लिफ्टिंग पाइपलाइन द्वारा। अच्छा, गोवर्धन ड्रेन से भी आ रहा है, गोवर्धन डैम से। और आपके साल पांचना का भी और अच्छा आ गया पानी, तो उस पानी आने से यहाँ पे पॉपुलेशन फिर थोड़ी बढ़ी है। कितना फर्क पड़ा? क्योंकि ये जो नेस्टिंग बर्ड है अपने यहाँ नेस्टिंग करती है वाटरफॉल्स में, जो ओपन बिल स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, ई ग्रेड कॉर्मोरेंट, हेरॉन्स, जो हेरॉनरी बनती है वो विदाउट पानी के, बिना पानी के नेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? बर्ड्स के लिए पानी होता है तो प्रोटेक्शन होता है, तो कोई भी इंसान भी नहीं जा सकता है, कोई जानवर ऐसा नहीं जा सकता है, बिल्ली वगैरह कोई भी जैकॉल, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पेड़ों की सुविधा अच्छी है तो यहाँ नेस्टिंग करने लग जाती है। अब कुछ एरिया में इन्होंने कहीं पेड़ मिल गए, कुछ आधे आधे करके नेस्टिंग होने लगा, दूर दूर यहाँ पानी नहीं आया इसलिए, तो अभी ये कुछ बढ़ने लगे अभी यहाँ पे आने पर। ये जो 10 साल के ड्रॉट में सारी जितनी माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी वो सब इंडिया के इधर उधर चली गई? हाँ, इधर उधर इंडिया में ही, साइबेरिया से तो आ चुकी, तो क्लाइमेट चेंज होता है ना सर, ठंडा क्लाइमेट होता है तो इंडिया में आती है। फिर इंडिया में जैसे लद्दाख है, कश्मीर है, वहाँ साइबेरियन क्रेन है, ब्लैक नाइट क्रेन, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं तो वो वहाँ आ जाती हैं, तो वो वहाँ का जेट बर्फ गिरती है फिर वहाँ से यहाँ आती है, तो यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होता है। तो कॉमन क्रेन यहाँ आती थी यहाँ पर, वो भी साइबेरिया से आती थी, वो रेयर नहीं थी, तो उनकी पॉपुलेशन 200 काउंट किया है यहाँ रहती थी। अब पानी ड्राउट के कारण अब वो इधर से दूसरी जगह पकड़ गई। कहाँ? यहाँ पे इंडिया में कहाँ गई थी वो? किचन में चली गई है काफी, तो किचन में है। किचन कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में, अच्छा, उदयपुर है। अच्छा, उधर होगा गई। हाँ, और उधर गुजरात में भी गई कुछ? वहाँ चिल्का में कह रहे थे आप? चिल्का में तो ये माइग्रेटरी डक्स, पिनटेल, गगन टील, कॉमन टील, ऐसी चीज, ग्रे लेक गीज, बार हेडेड गीज, ऐसे। और कुछ बर्ड्स है जैसे हमारे यहाँ अलवर के पास में है, उसमें लास्ट ईयर मैंने उसका वेटलैंड सर्वे किया था, 14 वाटपॉन्ड वेटलैंड को, 14 वेटलैंड सर्वे।